नमस्कार साथियों नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अध्यापक बड़ी खबर है समस्त प्रकार के कर्मचारी जो दिखें सेवा के 24 साल पूरे करने वालों को दूसरा और 30 साल करने वाले कर्मचारी को तीसरा वेतन मान दिया जाए कोर्ट का बड़ा फैसला है यानी कि वन स्कूली शिक्षा स्वास्थ्य राजस्व लोक निर्माण विभाग एन बिजली कंपनी वाले समस्त प्रकार के कर्मचारी दिखें आइए जान लेते हैं देख लेते हैं लाठची को दोस्तों इंदौर यानी कि हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला दिया है हाई कोर्ट ने एक शिक्षक की याचिका पर सरकार को आदेश जारी किया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी करते हुए 24 साल हो गए हैं उन्हें दूसरा समयमान वेतनमान और जिनको 30 वर्ष हो गए हैं उन्हें तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाए शिक्षक प्रकाश कवठेकर व अन्य के अधिवक्ता अर्चना उपाध्याय के माध्यम से यह याचिका दायर की गई थी जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था शासन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जो प्रेजेंटेशन दे रखे हैं उन्हें तत्परता के साथ निराकृत कर दिया जाएगा हाई कोर्ट ने एक महीने के भीतर सरकार को निर्णय लेने के लिए कहा है दोस्तों इन सभी विभागों के कर्मचारी परेशान हैं तो वन विभाग है स्कूली शिक्षा है स्वास्थ्य विभाग है राजस्व विभाग है लोक निर्माण स्वास्थ्य लोक निर्माण विभाग है एन विभाग है बिजली कंपनी सहित शासन के अन्य विभागों में तकरीबन पंद्रह हज़ार के लगभग ऐसे कर्मचारी हैं जिनको तीस साल सर्विस हो गई है लेकिन तीसरा वेतनमान नहीं मिला है दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ तो मिल रहा है अकेले वन विभाग में प्रदेश भर में बारह के करीब कर्मचारी हैं तो दोस्तों इस पर अपने विचार लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जवाहार